अर्पण किया गया। और आप देखते हैं खबरें, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। राज्य में 27 फरवरी को मतदान होगा। राज्य में कुल 21,61,000 मतदाता हैं। इनमें से 81,000 से अधिक 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कुल 13 राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय स्तर के 4 दल भी शामिल हैं। चुनावी मैदान में सर्वाधिक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 57 उम्मीदवार उतारे हैं। बात अगर मेघालय की करें तो चुनावी रंग रफ्तार पकड़ने लगा। 60 सीटों पर चुनाव होना है और बीजेपी सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। मेघालय के सियासी रण में संगीत को नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि ये मेघालय की आत्मा है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की शिलोंग से ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त शिलोंग में हूँ और शिलोंग को म्यूजिक कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तमाम फोक सिंगर्स अलग अलग जगह से आए हैं। खासी, गारो, जयंतिया, जी हाँ, ये तीन भागों में मेघालय डिवाइड किया जाता है और चल रहा है चुनाव का रंग। और चुनाव के रंग में म्यूजिक का रंग डालने के लिए ये सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। और ये वेस्टर्न म्यूजिक, जिसके बिना शिलोंग अधूरा है। और ये सब यहाँ की संस्कृति है और ये संस्कृति उभर कर आती है जब चुनाव आते हैं। कैमरामैन सैंथिल के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, शिलोंग। और त्रिपुरा में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चुनाव कर्मचारी आज चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। राज्य में कुल 3,328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए हैं। राज्य में सीमा सुरक्षा बल भी भारत बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। राज्य में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो गया था। सभी 60 सीटों पर कल यानी कि 16 फरवरी को मतदान होगा। कुल 259 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला 28 लाख से अधिक मतदाता करेंगे। और त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो कल वहाँ पर सियासी समर, हम कह सकते हैं किस तरह जो तमाम उम्मीदवार हैं उनकी जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन आचल, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी। आप देखते रहिए नया सवेरा। अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और, इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और हमारे सहयोगी धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं चुनाव पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए। सुप्रभात धीरज, आपको
त्रिपुरा में कहें तो चुनावी जो प्रचार अभियान है वो समाप्त हो गया है। कल फैसला होना है, ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी, उसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो वहीं मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा, त्रिपुरा में जो मतदान स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग ने कल बताया था कि कैसे 31,000 मतदान कर्मी 3,328 मतदान केंद्रों पर जाकर स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से मतदान कराएंगे। मतदान में किसी तरीके की हिंसा ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसकी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है। मैं आपको बताऊं कि 31,000 जो लगभग 31,000 सुरक्षा बल भी हैं, 300 कंपनियां मंगाई गई हैं ताकि की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे 8 जिलों के 60 मतदान केंद्रों पर चुनाव होना है। अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य में लगभग 252 नाके लगाए गए हैं ताकि जो किसी तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं उन पर नज़र रखी जाए। इसके अलावा असम और मिजोरम का जो बॉर्डर है, असम और मिजोरम के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। तो जो आपने बताया कि 259 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, 259 उम्मीदवार के जो उनका जो फैसला, किस्मत का फैसला कल मतदाता करेंगे। और सबसे अहम बात है कि इन 259 उम्मीदवारों में 31 उम्मीदवार जो हैं वो महिलाएं भी हैं। हालांकि यहाँ के जो वोटर्स की बात करें तो यहाँ जो आधी आबादी को जो देखने को मिलता है, जो देखने को हमें मिला रैलियों में या सभाओं में, कि आधी आबादी जो है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा बढ़कर हिस्सा लेती नज़र आई। और अगर हम वोट की भी बात करें तो उनका मतदान भी लगभग 50% आधी आबादी का मतदान लगभग 50% है। उस मुकाबले में हालांकि यहाँ उम्मीदवार महिलाओं को उम्मीदवारी में कम स्थान मिला है, लेकिन इतना तय है कि जिस पार्टी के पक्ष में महिलाओं का आशीर्वाद जाएगा, महिलाओं का आशीर्वाद पड़ेगा, वो दल जरूर चुनाव में विजय हासिल करेंगे। क्योंकि महिलाओं ने बड़े बढ़ चढ़ कर पूरे एक महीने से जो चुनाव अभियान जो चला है, उस चुनाव अभियान की भागीदार रही है। और कल शाम को ये अभियान थम गया और अब सारी जिम्मेवारी चुनाव आयोग के ऊपर है कि चुनाव आयोग यहाँ जो शांतिपूर्ण मतदान को कैसे कराते हैं, जैसे कि उन्होंने कल हमें बताया भी। धीरज, बिल्कुल, क्योंकि आप चुनावी अभियान का मतदान के समय में या चुनाव प्रचार के दौरान 300 घटनाएं हुई थी। जी धीरज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उम्मीदवारों की, लेकिन अगर चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो लगातार हमने देखा है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को लुभाने के लिए कि कैसे वो घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि वोट परसेंटेज में इजाफा हो, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है चुनाव आयोग की? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। देखिए, चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है कि अधिक से अधिक मतदाता जो है वो मतदान में आकर हिस्सा लें और जो लोकतंत्र का जो ये महापर्व है, उस महापर्व को आप सुनिश्चित करें, उस महापर्व को आप सफल बनाएं। और इस बार अगर हमें युवा मतदाताओं के लिए खास करके आपने बात किया, तो इस बार त्रिपुरा में 80,000 युवा मतदाता जुड़े हैं। तो 80,000 युवा मतदाता कैसे इस मतदान को सफल बनाएंगे, उसके लिए यहाँ मॉडल बूथ तैयार किए गए हैं। बुजुर्गों के लिए भी विशेष सुविधाएँ की गई, बनाई गई है कि वो आए तो यहाँ वहाँ आकर वो रुक पाएँ। व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई है, पानी की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि अगर कोई दूर से वोट देने के लिए आता है तो उन्हें पानी की सुविधाएं मिल सकती। गाड़ी की भी व्यवस्था की गई है कि जो लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं वो गाड़ी तक उनको पहुंचाया जाएगा और उन्हें मतदान के जो महापर्व में हिस्सा लेने के लिए लाया जाएगा। तो एक मॉडल बूथ से लेकर बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो पिंक बूथ भी बनाए गए हैं ताकि युवा वहां प्रोत्साहित होकर पहुंचे, सेल्फी बूथ का भी निर्माण किया गया है। तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से कराया जा सके। जैसा कि उन्होंने कल भी कहा था कि हमारी ये कोशिश है, चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं गीते किरण कुमार, उन्होंने बताया था कि देखिए पिछले साल मतदान के समय में या पूरे चुनाव प्रचार के दौरान में लगभग 300 घटनाएं हुई थी,
लेकिन इस बार के चुनाव में अभी तक मात्र 100 घटनाएं हुई है, जो छिटपुट घटना जो दर्ज हुई है, तो उस लिहाज से भी समझाया जाए कि इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण है। जी बिल्कुल, चुनाव शांतिपूर्ण होगा। और बात अगर हम मेघालय और नागालैंड की करें तो वहां पर भी चुनाव प्रचार अब जो है अपना जोर पकड़ता जा रहा है। देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर मुद्दों की बात करें तो विकास का मुद्दा ही सबसे ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले तमाम घटनाएं होती थी, उग्रवाद की घटना होती थी, अशांति थी, लेकिन जिस तरह से भाजपा की सरकार में शांति पे सबसे ज्यादा काम किया गया, विकास पर काम किया गया, वो जमीनी हकीकत के तौर पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और जनता उसको पसंद करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। पूर्वोत्तर भारत जो रहा है वो प्रधानमंत्री के बिल्कुल सोच के करीब रहा है। उन्होंने सबसे अधिक प्राथमिकता पूर्वोत्तर भारत को दी है और पूर्वोत्तर भारत को समझने का मतलब है कि प्रधानमंत्री भारत में जो पिछले 50-60 सालों में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा से यहाँ के लोग बिल्कुल आपने सही कहा। जो उन्होंने जो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी बनाई थी 2014 में, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी बनाई थी। उसके अलावा लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी उन्होंने तैयार किया था। इस पॉलिसी में उन्होंने ये कहा था कि न केवल पूर्वोत्तर भारत की तरफ हमें जाना है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत में जो विकास की जो प्रक्रिया है, विकास की जो जो विकास से जो पूर्वोत्तर भारत अछूता रहा है, दूर रहा है, तो हमें वहाँ के विकास को भी देखना है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो पूर्वोत्तर भारत में हुई है वो विकास के साथ साथ शांति की हुई है, क्योंकि यहाँ पे हिंसा की घटनाएं, उग्रवाद की घटनाएं होती रही है, नक्सलवाद की घटनाएं यहाँ होती रही है, तो इस इलाके में कैसे शांति स्थापित हो इसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जैसे कि गृह मंत्री भी यहाँ आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पे लोगों को कहा था कि हम विवाद बनाम विश्वास तैयार किया है। हमने जो विवाद का जो दौर चला है, जो हिंसा का दौर चला है, राजनीतिक हिंसा का जो दौर चला है, उस राजनीतिक हिंसा को कम करने के बाद एक विश्वास का जो माहौल तैयार होता है, वो विश्वास का माहौल राज्य में हमने तैयार करने की कोशिश की है। और जो विकास से जो क्षेत्र अछूता रहा था, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, आदिवासियों के बहुत सारे मुद्दे थे, जहाँ तक जो बिजली नहीं पहुँची थी, नहीं पहुँची थी, समय कम है आपसे आज के एजेंडे में बात होगी, लेकिन जिस तरह से हमने कल गृह मंत्री अमित शाह को भी जो साक्षात्कार उन्होंने दिया था, वो कहते हुए सुना था कि डबल इंजन की सरकार एक बार फिर वापसी करेगी त्रिपुरा में। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए धीरज।